हेलो एवरीवन, आज हमें करना है एक्सरसाइज 7.11। और 7.11 जो हमारा एक्सरसाइज है ये प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है और इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्टली क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। और एक बात और इसमें ये है कि जो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो आपका है, इसमें आपको 7 प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं वन बाई वन, ठीक है ना। और उसी प्रॉपर्टी के बेस पर हमें इसमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो एक बात और ध्यान से समझेंगे, एक्चुअली क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं उनके माइंड में होता है कि हाँ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ड्यू टू प्रैक्टिस आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि किस क्वेश्चन में कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, और मैं हैंड टू हैंड बताता रहूँगा कि प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन कैसे होंगी, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसमें वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। देखिए आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ P0 P1 ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो ये कुछ हमें सीरियल वाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। तो अगर हम सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 देखेंगे, ठीक है ना, तो जो प्रॉपर्टी 1 हमारा है उसमें क्या आपको गिवन है, a to b fx dx, ठीक है। अगर a to b fx dx हमारा है तो इसको आप लिख सकते हैं a to b ft dt, ठीक है। देखिए दोनों, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसमें क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है और ये फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। दोनों का रेंज हमारा सेम है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर इस पर हम एग्जांपल लेंगे तो हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू अगर करना चाहें, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक x ले लिया और ये 1 to 2 और ये dx है, ठीक है। और हमने यहाँ पर लिया 1 to 2 और हमने ले लिया ये x dx है और हमने यहाँ t dt ले लिया, ठीक है ना। दोनों में चेंजिंग क्या है कि बस ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ टी है, रेंज दोनों का क्या सेम है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो दोनों का आंसर हमारा क्या आएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। इसे इंटीग्रेट करें x² / 2, ठीक है, ये आपका 1 to 2 हो गया। इसे इंटीग्रेट करें कितना, t² / 2, और ये आपका कितना आएगा, 1 to 2, है ना। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें तो ये 4/2 हो जाएगा, ये लोअर लिमिट डालने पर 1/2, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपको, 3/2, ओके। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पर टी है वहाँ पे 2 डालेंगे तो 4/2 माइनस 1/2, वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना, इतनी बातें। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी 2 में क्या है, अगर आपका यहाँ पे a to b, ठीक है, fx dx है, ठीक है। अभी हमारा लिमिट क्या है, a टू b है। अगर मैं लिमिट उल्टा कर दूं, b to a, ठीक है, b पहले आ गया, a ऊपर चला गया, ठीक है ना। b to a fx dx कर दूं तो होगा क्या कि आपको इससे पहले साइन क्या, नेगेटिव आ जाएगा, समझ में आ रही बात आपको। अगर a to b है, a to b को आप b to a करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या इक्वल, सब प्रूफ्ड है, समझे कि नहीं। और इसमें प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था x dx, है ना, और ये 1 to 2 था। अगर मैं इसे इंटीग्रेट किया था तो वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 आया था, हमारा आंसर कितना आया था, 3/2 आया था, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, रेंज को चेंज करते हैं। अगर रेंज को चेंज करूंगा तो 2 और ये 1 होगा और ये x dx हो जाएगा, ठीक है। जैसे रेंज को चेंज किया, रेंज को चेंज करने पे पहले क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा, ठीक है। चलिए माइनस हो गया, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, ये हमारा इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2 होगा, ठीक है। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 1 है, तो हमें पता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 1, तो 1/2 माइनस 4/2, ठीक है, इतनी बातें। तो ये आपको पहले माइनस है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, माइनस का 3/2, समझ में आ रही बात आपको। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस में कितना आएगा आपको, 3/2। तो देखिए जो आंसर ये था, सेम आंसर ये है। जब हमने 1 to 2 से किया था तब भी हमारा आंसर 3/2 आया, और 2 से 1 पे कर रहा हूँ तब भी आंसर हमारा क्या, 3/2 आ रहा है, बट साइन पहले माइनस का आना चाहिए। अगर ये साइन पहले माइनस का नहीं होता तो इसका रिजल्ट कितना आता, माइनस का 3/2, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता। ये दोनों आपस में इक्वल कब होगा, जब रेंज चेंज करेंगे तो साइन पहले क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस रह जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको, ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में हो कि हाँ ये जो हमारा जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली है क्या। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना, इसलिए विद एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी 3 देखेंगे, ठीक है। अच्छा इसी में देखिए, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म भी ये होता है, ध्यान से आप लिख देता हूँ मैं, वो क्या होता है, अगर रेंज हमारा सेम हो, ए टू ए हो और fx dx हो, सेम रेंज हो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0,
ठीक है, अगर किसी भी इंटीग्रल में अगर रेंज हमारा सेम है, लिमिट हमारा सेम है, ए टू ए है, उसे इंटीग्रेट करने के बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, वैल्यू जीरो आ जाएगी। छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 1 to 1 एक्स डी एक्स ले लेता हूँ, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि जब मैं ज़्यादा यहाँ बड़ा फंक्शन लूँगा तो फिर उसे इंटीग्रेट करना, सॉल्व करना है ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको दिखा रहा हूँ। एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, रेंज हमारा क्या 1 to 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा तो 1/2, फिर -1/2, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है ना। तो सेम रेंज होने पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 0 हो जाएगी, ठीक है ना, छोटी सी बात है, अब याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, तो प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। 3 में क्या है हमारा, अगर हमारा ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है ना, अगर ये हमारा रेंज क्या है, हमारा लिमिट हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सपोज हमने मान लिया कि ए और बी के बीच में कोई पॉइंट हमारा आता है सी, ठीक है ना, तो इस रेंज को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखें, अब मैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स फिर प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब होता है समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना, ये यूजफुल प्रॉपर्टी है। इसके क्वेश्चंस आपको, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली जो ये रेंज ब्रेक करने वाला जो हमारा होता है वो मॉडुलस में होता है, ठीक है ना, जो भी मॉडुलस के फंक्शंस होते हैं उसमें हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, आप याद करें कि मैं डेफिनेट इंटीग्रल जब 7.8 बताया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या देता है, एरिया, है ना, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सपोज हमने कोई, यहाँ पे हमने एक कर्व ले लिया, मान लीजिए कोई ये कर्व है, ठीक है ना, और ये हमारा ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है, तो ए टू बी पे है ना ये फंक्शन कोई हमारा ये कर्व है, ठीक है। ए टू बी पे हम जो निकालते हो, क्या निकालते हैं, हम एरिया ही निकालते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कोई पॉइंट है यहाँ पे हमारा सी है, कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे सी है, ठीक है, इतनी बात है, कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे सी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एरिया निकाल रहे हैं पहले किसका, ये वाला ए टू सी, ए टू सी एरिया निकाला, उसके बाद ए टू सी निकालने के बाद हमने क्या निकाला, सी टू बी, ये एरिया निकाला, इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो ए टू बी का एरिया निकल जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ए टू सी निकाल दिया हमने, फिर प्लस कर दिया, सी टू बी कर दिया, डी एक्स कर दिया। अब ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि ए टू सी कर दिया हमने, फिर कोई पॉइंट बीच में डाल दिया, यहाँ पे डी मान लेते हैं, अगर ऐसा कर दूँ तो कितना आएगा, ए टू सी आएगा, सी टू डी आएगा, डी टू बी आएगा, आंसर एक ही आने को है। आप इसका एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि 1 to 4 एक्स डी एक्स है, ठीक है ना, अगर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, 1 to 4 एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 to 4 रहेगा, इसकी वैल्यू पुट कर लें, जो भी आपका इसका आंसर आएगा आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, 1 to 4 है ना, अगर आपको करना 1 to 2 कर दें एक्स डी एक्स, ठीक है, 2 से 3 कर दें आप एक्स डी एक्स, फिर प्लस में 3 to 4 कर दें एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इन सब का आंसर निकालें, इन सब का आंसर निकालें और उसको ऐड कर दें, वो इसके आंसर से इक्वल होगा, ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है ना, कि अब जो हमने रेंज ब्रेक किया यहाँ पे 3 जगह हो गया, ठीक है ना, 1 2 3, क्लियर थी बातें। तो ये जो हमारा ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, कोई अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट हमारा सी आ जाता है तो उसको हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। बेसिकली जो ये वाला जो हमने बताया प्रॉपर्टी है ना, ये आपका मॉडुलस फंक्शन जो भी होते हैं, आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.11 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 18 और इसके एग्जांपल भी हैं, ठीक है ना, इसी बेस पे आपका वो होगा जो ना, जो मॉडुलस के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जब मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा आपको, ठीक है ना, इसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इतनी बातें। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ही वाइडली आपका ये यूज होगा प्रॉपर्टी 4, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका, अगर आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है ना, तो इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है, जो ये आपका जो लिमिट है, जो ये आपका लिमिट है, उस लिमिट को आप ऐड कर दें, अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी, ऐड कर उसमें से माइनस एक्स कर दें, जो यहाँ पर एक्स था, ठीक है, हमने क्या इन दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद एक्स को उससे माइनस कर दिया, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप खुद से चेक कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे चेक कर लें। अगर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 1 to 2 एक्स डी एक्स, ठीक है ना, अगर आप इसे इंटीग्रेट करके हमने सॉल्व किया था तो वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 आई थी, ठीक है ना। अगर मैं इस पर ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, ठीक है ना, ये 1 to 2 है, ये 1 to 2 है, ठीक है ना, और ये एफ है हमारा, ये 1 to 2 है, ये हमारा यहाँ एक्स है ना,
तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर कर यहाँ माइनस करूँ तो कैसा होगा ये, वन प्लस टू माइनस में एक्स, ये होगा ना। जहाँ पर हमारा x है, अगर ये a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो जहाँ पर ये x है, x के प्लेस पे क्या आया था, इन दोनों को ऐड किया और माइनस में एक्स किया। तो यहाँ पे पहले हमारा क्या एफ एक्स जगह पे क्या x है, तो इन दोनों को ऐड किया और माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वन प्लस टू थ्री, थ्री माइनस में एक्स हो जाएगा, ये हमारा होगा वन टू टू, थ्री माइनस में आपका ये x हो गया, ठीक है। इतनी बात है, अब इसे इंट्रीगेट करें, थ्री को इंट्रीगेट करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस में कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब रेंज हमारा क्या वन टू टू है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू थ्री बाई टू ही आएगी, ठीक है ना। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना है सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे ये हो जाएगा सिक्स, ठीक है। फिर माइनस में ये कितना होगा फोर बाई टू, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो वन पुट करेंगे तो थ्री हो जाएगा, ये माइनस का वन बाई टू, तो थ्री माइनस में कितना आपको हो गया वन बाई टू, ठीक है। इतनी बात है, ये कैंसिल टू, तो सिक्स में से टू गया ये आपको फोर, माइनस में इसको सॉल्व कर लें तो ये आपको हो जाएगा सिक्स माइनस वन फाइव बाई टू, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये एट हो जाएगा, एट माइनस का फाइव बाई टू मीन्स थ्री बाई टू, देखिए जो आंसर ये था सेम आंसर आपका ये आ गया, ठीक है ना। तो कह रहे कि मतलब ये हुआ कि इसका हम प्रॉपर्टी जो ये है हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कहाँ पे यूज़ करना है, तो ये चीज़ें जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आप याद रखें कि ये प्रॉपर्टी ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो आप रेंज को ऐड कर कर, ठीक है ना, माइनस एक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। अब इसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म देखें जिसका आपका जो ये प्रॉपर्टी मैं पी फोर बताया हूँ इसका आपके क्वेश्चन में अराउंड 60-70% यूज़ है, ठीक है ना। जो आपका एक्सरसाइज है उसमें 60-70% इसी का यूज़ है, ठीक है ना, इसका जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ठीक है ना। वो क्या है, अगर आपका यहाँ 0 to a हो, 0 to a हो, एफ एक्स डी एक्स हो, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 to a है, जैसे हमने यहाँ पर रेंज को ऐड किया और माइनस किया, सेम रेंज को ऐड किया, 0 + a कितना होगा, 0 + a यहाँ पर a हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो गया एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ है आपके इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूं कि 7.11 में क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन सेवन, एट, नाइन, टेन, ठीक है, ट्वेल्व, फिर क्वेश्चन 15, 16, 17, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपका इस बेस पे है। देखिए 0 to a है ना, 0 to a, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर वन देखिए 0 to π/2 है, 0 to π/2 है, टू नंबर थ्री भी 0 to π/2 है ना, सेवन देखें 0 to 1 है, 8 देखें 0 to π/4 है, तो ये इस वाले पैटर्न पे आ रहा है, 0 to a वाले पैटर्न पे आ रहा है, ठीक है ना। तो हम ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो ये छोटे से ट्रिक्स हैं, ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रही बात ना आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 देखें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हम करेंगे, ठीक है ना, वन बाई वन सब करेंगे, ठीक है। तो 16 में 0 to π है, तो वो भी इस वाले पैटर्न पे आ रहा है, 0 to a वाले पे, ठीक है ना। तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद से अपने माइंड में फिट कर लेंगे, ठीक है ना ये, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा, ठीक है, वो देखते हैं, इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फाइव, अगर मैं फाइव की बात करूँ, इस वाले पार्ट को आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो फाइव में क्या है आपका, अगर आपका यहाँ पे 0 to 2a है और ये एफ एक्स डी एक्स है, तो इसे आप लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, क्या किया हमने, बिल्कुल ध्यान से देखें आप, ये 0 to हमारा क्या है, ये 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, क्लियर इतनी बातें। तो हमने इसे क्या किया है कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस का किया 0 to a, और इसमें इन दोनों को ऐड किया, रेंज को ऐड किया, तो 0 + 2a कितना आएगा 2a, फिर माइनस में एक्स कर दिया, समझ वाली बात आपको, ठीक है। अब इस पर अगर आपका इस पर एग्जाम्पल देखना है तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर मान लीजिए 0 से 2π है सपोज, है ना, और यहाँ पे हमारा क्या है साइन एक्स है और ये डी एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to π, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स प्लस में 0 to 2π, ठीक है, सॉरी 0 to π, फिर यह कितना है साइन, हम क्या करते हैं रेंज को ऐड किया 0 + लिमिट को ऐड किया, 0 to a को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2a, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 + 2π, तो 2π होगा, और जहाँ पर x था तो यहाँ पे कितना 2a माइनस एक्स, और यहाँ x क्या है साइन x है, तो साइन x वहाँ पे कितना आएगा 2π माइनस एक्स, और ये dx है ना, तो ये 0 to π हो गया आपको,
ये आपको साइन एक्स डी एक्स हो गया, फिर प्लस जीरो टू पाई, ठीक है। और आपको पता है कि साइन टू पाई माइनस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो फाइनली इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। चलिए बात की बात है, वैल्यू क्या आ रही नहीं आ रही है, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप इस वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और प्रॉपर्टी में इसका क्या एप्लीकेशन से, कहाँ पे एप्लीकेशन से, वो सारी बातें हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। बस अभी आपको ये याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि अगर 0 to 2 a एफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी का एक पर्टिकुलर आपका है प्रॉपर्टी 6, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, इसी का पर्टिकुलर फॉर्म है जो हमारा प्रॉपर्टी 6 है, ठीक है ना। तो 6 हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे, अगर आपका 0 to 2a है और ये एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है ना, इसी का पर्टिकुलर केस है ये। तो इसमें क्या है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, वो दो तरीके क्या हैं, इसकी वैल्यू दो तरीके से आ सकती हैं। इसकी वैल्यू आपको क्या आएगी, 0 to a, क्या हो जाएगा 0 to a, ठीक है, 2 f(x) dx, जो भी यहाँ पर रेंज है 0 to 2a है तो ये इसका हाफ हो जाएगा 0 to a, अगर यहाँ 0 to a होता तो यहाँ 0 to a/2 हो जाता, ठीक है ना। और ये 2 फॉर्मूले से है, ठीक है ना, ये f(x) dx हो गया, ठीक है ना। ऐसा कब होगा, इफ अगर आप इस जो हमारा ये जो इंटीग्रैंड है जो fx है, fx में आप इस रेंज को ऐड करके माइनस करें, मतलब क्या करें आप 2a-x करें, हमने इसको ऐड किया यहाँ माइनस किया और ये वापस में क्या करें सेम फंक्शन दे दे, जो हमारा ये fx है अगर मैं इसमें ऐड करके माइनस करूं और वापस का fx दे दे, अगर ऐसा होगा तो ये जो हमारा ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, 0 to 2a है तो 0 to a f(x) dx और 2 फॉर्मूले से बाहर, ठीक है ना। अभी बताऊंगा ये कैसे हुआ, आप खुद देखो यहाँ पे, ये जो है इसी का पार्ट है, कैसे इसका पार्ट है, अगर हमारा जो यहाँ पर f जो हमारा है 2a-x, ये वापस में fx हो जा रहा है, f(2a-x) वापस में fx हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि f(2a-x) है, इसके प्लेस पे कितना आएगा, वापस का fx आ जाएगा, ये मतलब हुआ ना। तो ये वाला पार्ट हटाइए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, fx लिख दीजिए आप, देखिए 0 to a f(x) dx, 0 to a f(x) dx, कितनी बार, दो बार हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 0 to a f(x) dx हो जाएगा, तो इसी का ये पर्टिकुलर फॉर्म नहीं हो गया, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हमारा f है, ये 2a-x है, ठीक है ना, आपको फील करना है, समझना है इसको, ठीक है ना। इसके बाद इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो, कब, इफ अगर आपने इसमें रेंज को ऐड करो, ठीक है, ऐड कर माइनस एक्स करो आप, है ना, रेंज को ऐड करो माइनस एक्स करो आप, और ये वापस में क्या देते, माइनस का इफेक्ट देते, फंक्शन तो हो सेम फंक्शन हो बट वो नेगेटिव में आ जाए, किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको भी इससे आप रिलेट करें, ये हमारा क्या है, f(2a-x) है, f क्या हमारा 2a-x है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, तो f(2a-x) जहां पे है वहां पे क्या है, माइनस का fx है, मतलब इस पूरे के प्लेस पे कितना आएगा, माइनस का fx मीन माइनस प्लस कितना हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल होकर वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, है ना, इंटरेस्टिंग है ना आपको। तो इसी का ये पर्टिकुलर फॉर्म है, ठीक है ना, अगर आपको ये याद आया तो आराम से वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है ना, आप एग्जांपल से समझें आप, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया 0 to 2π, ठीक है ना, ये cos(x) dx कर दिया, ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई, 0 to 2π cos(x) dx कर दिया। तो अब हमारा यहाँ पर fx क्या, हमारा fx के प्लेस पे हमारा है cos(x), ठीक है, इतनी बात है। अगर मैं रेंज को ऐड करके माइनस करूंगा यहाँ पे, तो ये f कितना आएगा, 2π-x, तो जहाँ पर x है वहाँ पे कितना आएगा, जहां पर x है वहां पे कितना आएगा, 2π-x, है ना, जब ये x था तो यहाँ पर x था, यहाँ पे 2π-x है तो यहाँ 2π-x, और cos(2π-x) क्या होता है, प्लस में cos(x) होता है, cos(2π-x) क्या होता है, प्लस का cos(x) होता है, ठीक है ना, आप पढ़ रखेंगे चैप्टर 3 में क्लास 11th में, ठीक है ना, कि 2π यहाँ होता है, 2π से माइनस करने में फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, इतनी बातें। तो ये वापस में क्या आ गया, cos(x) आ गया। अब बताइए cos(x) हमारा क्या, fx है, तो ये क्या हो गया आपका, fx हो गया। तो आपने क्या किया था, आपने यहाँ पे रेंज को ऐड कर माइनस किया और वापस का हमारा फंक्शन आ गया, तो रेंज को ऐड कर माइनस करने पे वापस का फंक्शन आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारा है
इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रेंज है वो हाफ जीरो टू पाई है, तो क्या होगा, जीरो से सॉरी जीरो टू टू पाई है तो जीरो टू पाई हो जाएगा। ठीक है, टू फॉर्मूले से आ गया आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी से टू बाहर आ गया आपका, इस वाले प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। एफ एक्स, एफ एक्स हमारा क्या कॉस एक्स है, ये आपको कॉस एक्स और ये डी एक्स है ना, बाद में आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, अभी मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो चीज थी इसकी एप्लीकेशन कैसे होंगी। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे ये हुआ। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें, अब इसके बाद मैं आपको ये वाला एग्जांपल देता हूँ, इस पे एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पे जीरो, अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर ये जीरो से टू पाई है तो चलिए इसी पे लेते हैं हम एग्जांपल एक, ये आपका जीरो टू क्या है, ये टू पाई है और हमने यहाँ पे ले लिया साइन एक्स और ये हमारा डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ एक्स हमारा क्या है, आपका यहाँ पर एफ एक्स जो है वो साइन एक्स है। ठीक है, अगर आप रेंज को ऐड करके माइनस करेंगे तो आपको यहाँ कितना आएगा, साइन हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और आपको पता है साइन 2 पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस का साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई से माइनस करने पे कहाँ जाएगा, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, इसलिए आपका ये माइनस का साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये एफ एफ 2 पाई माइनस एक्स करने पे ये माइनस है यहाँ पे, और साइन एक्स हमारा क्या, एफ एक्स है, तो माइनस में आपको क्या आ गया, माइनस का आपको एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो अब रेंज को ऐड किया, माइनस किया और माइनस में एफ एक्स आ जाता है तो वैल्यू कितनी होती है, जीरो। देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। आप याद रखेंगे कि जो प्रॉपर्टी जो होता है आपको क्वेश्चंस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है कि नहीं, कुछ क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट होंगे सॉल्व करना, बट उसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें इसी में क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखो 14th है। ठीक है ना, क्वेश्चन 14th मैं यहाँ पर एक करवा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है ना, क्वेश्चन 14 देखें, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे मैं इसे साफ कर देता हूँ। ठीक है ना, एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि आप जो भी करें उसे समझ कर करें और अच्छे से करें। ठीक है ना, तो जो हमारा 14 है आपका वो क्या है, 0 टू 2 पाई है, ये 0 टू 2 पाई है और ये कॉस की पावर 5, तो ये क्वेश्चन 14 है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 14 देखिए, अगर आप, मैंने क्या बोला था आपको, अगर आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब मैं करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको, अगर उसमें आप प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, और विदाउट प्रॉपर्टी करेंगे तो वो 10-12-15 लाइन में जाकर सॉल्व होगा वो। ठीक है ना, देखिए प्रॉपर्टी का क्या रोल है। तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो ये 0 टू 2 ए वाला केस में आ गया, तो यहाँ पर एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा है कॉस की पावर 5x है और ये डी एक्स है। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना है, अगर मैं इसमें रेंज को ऐड करके माइनस करूँ तो ये 0 और 2 पाई को ऐड करने में कितना आएगा, 2 पाई आएगा, फिर माइनस में एक्स इक्वल टू में कितना है, कॉस की पावर में ये 5 है और ये 2 पाई माइनस एक्स। और जैसा कि बताया था मैंने अभी कि पावर 5 को भूल जाएं, कॉस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, प्लस में कॉस एक्स होता है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कॉस की पावर 5 और ये एक्स हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब कॉस की पावर 5x हमारा क्या, एफ एक्स है, तो ये वापस में क्या आ गया, हमारा एफ एक्स आ गया। जैसे ही वापस में एफ एक्स आ गया, रेंज को ऐड करके माइनस किया, वापस में एफ एक्स आ गया, ये वाला केस हो गया, तो ये हमारा, ये वाला जो ये हमारा इंटीग्रल है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो हमारे आई इक्वल टू में ये 0 टू जो हमारा 2 पाई है, 0 टू पाई हो जाएगा, ये कॉस की पावर कितना है, ये 5 डी एक्स। ठीक है, इतनी बातें, और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, इसमें मैं फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, फिर से ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। ठीक है ना, फिर से लगाऊंगा तो फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, कॉस की पावर 5 डी एक्स है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉस की पावर 5, ठीक है ना, एक्स कर दिया है ना, एफ एक्स जगह पे क्या है, कॉस की पावर 5x है ना। अब इसमें फिर मैं रेंज को ऐड करके माइनस करूंगा तो कितना आएगा, एफ पाई माइनस एक्स, कितना हो जाएगा ये एफ, इसको ऐड कीजिए तो 0 प्लस पाई कितना पाई होगा, तो पाई माइनस एक्स, तो कितना आ गया, कॉस की पावर में 5 और यहाँ पाई माइनस का एक्स हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, ये 5 है, अब कॉस पाई माइनस एक्स, तो ध्यान से देखें आप, कॉस पाई माइनस एक्स, पाई यहाँ पे होता है, इससे माइनस करेंगे तो कहाँ जाएगा, सेकेंड में, सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, माइनस कॉस एक्स की पावर में कितना, ये 5 है। ठीक है ना, तो ये हमारा पावर ऑड है, ये माइनस में कितना आ जाएगा, कॉस की पावर में 5x, तो ये हमारा माइनस का कितना हो गया, एफ एक्स हो गया, मतलब आपने रेंज को ऐड किया, माइनस किया, लेकिन वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का एफ एक्स, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, कौन सा, ये वाला, रेंज को ऐड किया, माइनस किया, बट आ गया नेगेटिव, ऐसा होने पे वैल्यू कितनी, तो 0, देयरफॉर आई की वैल्यू कितनी हो गई, कंप्लीट 0, कुछ नहीं करना, ऐसा हुआ, इसकी वैल्यू 0 हो गया आंसर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको,
तो ये हमारा प्रॉपर्टी सिक्स था। अब इसके बाद हम देखेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हमारा प्रॉपर्टी सेवन है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे उसको, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेवन जो हमारा है वो हमारा क्या है, ये हमारा है कि अगर ये माइनस ए टू ए, क्या बोला मैंने, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसमें भी दो बातें हैं, ठीक है ना, इसमें दो बातें क्या हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। इसका एक पॉइंट ये है कि ये जो हमारा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है ना, ये हो जाएगा जीरो टू ए, क्या हो जाएगा, ये जीरो टू ए टू आपको प्रॉपर्टी से बाहर आएगा, और ये एफ एक्स डी एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा कब होगा, इफ इफ अगर इस जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स में आप खुद से माइनस करें, क्या करें, माइनस का एक्स करें, है ना, एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करें, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव में एफ एक्स आए, ठीक है ना, ये x है, यहाँ पे आप माइनस एक्स कर दें, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है नेगेटिव डालने के बाद, या नेगेटिव डालने के बाद भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा इंटीग्रल है, वो क्या हो जाएगा, जीरो टू a, जो माइनस a से a था वो जीरो टू a हो जाएगा, और एफ एक्स डी एक्स, और टू हमारा फॉर्मूले से बाहर, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि ये जब हमारा कब होता है, वेन इट इज इवन फंक्शन, जब ये हमारा क्या होता है, इवन होता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इवन फंक्शन क्या होगा, है ना। इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इस पूरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कब, अगर आपने उसमें खुद से माइनस का एक्स डाला, और ये रिजल्ट भी हमारा क्या है, माइनस का एक्स आ जाए, ठीक है ना, माइनस का एफ एक्स हो जाए, मतलब हमने यहाँ माइनस डाला और रिजल्ट क्या हो, माइनस का एफ एक्स हो जाए, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। किस केस में होगा, जब ये हमारा ऑड होगा, ऑड के केस में होगा ये, ऐसा बस समझ मारी है। इस पर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए एक चीज़, आप यहाँ पे इसमें एक एग्जाम्पल है आपका, और वो एग्जाम्पल है 33, ठीक है ना, माइनस वन टू वन साइन की पावर फाइव कॉस की पावर फोर एक्स है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमारा क्या है, 33 है, वो है माइनस वन टू वन है, ठीक है ना, और साइन की पावर में, साइन की पावर फाइव एक्स है, और फिर कॉस की पावर में फोर एक्स और ए डी एक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उतना कॉन्सेंट्रेट करें। आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई ना करूँ ना, तो यही क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। आप बिना प्रॉपर्टी अप्लाई किए इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है ना, जो 7.3 में जो आपने किया था, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जो क्वेश्चंस किए थे उसके हिसाब से इसे करें, बाद में रेंज पुट करें, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना, वही आंसर आएगा जो अभी दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये आप माइनस वन टू वन मीन्स माइनस ए टू ए वाला कॉन्सेप्ट में आ गया, ठीक है, ये हमारा एफ एक्स प्लस पे है, समझ मारी बात। अब हमने यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एफ एक्स हमारा है साइन की पावर में 5x, फिर कॉस की पावर में कितना है 4x है। तो हमने करना क्या होता है, इसमें आप माइनस पुट करिए, माइनस का x हो गया, इक्वल टू में कितना आएगा, साइन की पावर 5 ये माइनस का x हो जाएगा, फिर इंटू कॉस की पावर कितना 4 ये माइनस का x। आपको पता है कि कॉस माइनस का x जो होता है वो प्लस में कॉस x होता है, क्लास 11th में पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। अब बट साइन माइनस x होता है, साइन माइनस x होता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस का साइन x होगा, ठीक है ना, ये 11th क्लास की कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ पे आप याद रखें ऐसा होता है, ठीक है ना। साइन माइनस x इक्वल टू में माइनस का साइन x है, ठीक है ना। अब इसको मैं अलग से बताने जाऊंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, और जो मेन चीज़ है उससे कॉन्सेंट्रेशन आपकी बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि साइन माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, माइनस साइन एक्स पावर में कितना हमारा 5 है, ठीक है, ये क्या होगा, कॉस की पावर में 4x हो जाएगा, कि कॉस माइनस एक्स प्लस में कॉस एक्स होता है। अब ध्यान से देखिए, जो पावर 5 है ये साइन पे आएगा और माइनस पे भी आएगा, तो माइनस पे आने पे पावर हमारा क्या ऑड है, ऑड होने पे कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये हो जाएगा साइन की पावर में 5x, ठीक है। आप देखिए, आपने यहाँ माइनस पुट किया और ये यहाँ से यहाँ, ये माइनस को भूल जाएं आप, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x का हमारा एफ एक्स है, मतलब ये क्या हो गया, माइनस का एफ एक्स हो गया, मतलब आपने माइनस पुट किया, रिजल्ट कितना गया, माइनस एफ एक्स, मतलब ऐसा हुआ कुछ, ठीक है ना। आपने क्या किया था, माइनस में एक्स पुट किया था और रिजल्ट हमारा कितना आया, माइनस का एफ एक्स आया, बस कुछ नहीं करना है। देयरफॉर हम लिखेंगे आई इक्वल टू जो हमारा ये वैल्यू है, इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल ये आपको 33 हो गया, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल 33 समझकर इसको नोट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा ऑड फंक्शन है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, इसको और अच्छे समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, इससे नोट डाउन कर लें। इस पर मैं और एग्जाम्पल देता हूँ और समझेंगे ध्यान से आप, ठीक है ना, इसको समझना है बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होता है कि माइनस पाई टू पाई होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है और ये डी एक्स होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना था, इसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, माइनस ए टू ए वाला कॉन्सेप्ट में आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है,
तो अब यहां पे देखिए एफ एक्स के प्लेस पे क्या हमारा, एफ एक्स के प्लेस पे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर मैं इसमें माइनस पुट करूंगा तो ये कितना आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कि आपका ये कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ माइनस पुट किया, आपने माइनस का एफ माइनस एक्स पुट किया था, बट रिजल्ट हमारा कितना आया, प्लस में एफ एक्स आ गया, मतलब ये हमारा क्या है, इवन है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होता है, हमारा इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना। जब इवन होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटीग्रल्स है उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू कितना आपको हो जाएगा, ये माइनस पाई टू पाई है तो ये कितना होगा, जीरो टू पाई, कितना होगा, जीरो टू पाई। और ये हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, डी एक्स। और फिर क्या आएगा आपको, टू आएगा पहले, ठीक है ना, हमने इसमें से कन्वर्ट कर दिया। फर्दर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, आपको जैसे सॉल्व करना है इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन प्लस में कॉस टू एक्स बाई टू, ठीक है ना। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो बात की बात है, अभी मैं आपको प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा ऑड इवन का ये है, ठीक है ना। अब ऑड इवन में मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, और ध्यान से समझ लें आप, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ऐसा होता, सपोज ये माइनस वन से वन होता, ठीक है ना, और ये एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स होता, तो एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, क्या हमारा, एफ एक्स, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, तो ये क्या होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। बात समझ आ रही, नहीं आ रही है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब ये हमारा वापस का एफ एक्स हो गया। हमने नेगेटिव पुट किया बट रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स दैट इस पूरे को आप क्या करेंगे, इस पूरे को आप लिखेंगे 2021 एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक है। इससे आप इंटीग्रेट करें, जो रिजल्ट आएगा ना इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, जो रिजल्ट दोनों आपस में इक्वल होगा। बात समझ में नहीं आ रही, बट मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैं यहाँ पर एक्स क्यूब कर दूँ, क्या कर दूँ, एक्स क्यूब डी एक्स कर दूँ, तो ये क्या रहेगा, एक्स क्यूब होगा, और यहाँ भी क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। अब ये एक्स क्यूब होने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब मतलब माइनस का क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस का एफ एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स। आपने माइनस पुट किया और ये माइनस में रिजल्ट आ गया, इसकी वैल्यू सॉल्व ही नहीं करना हमें, हमें डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, आई इक्वल टू जीरो, ये हमारा रिजल्ट हो गया। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही आपको, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, समझ में आ रही है बात। तो जो हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उस एक्सरसाइज के मैं आपको या तो कमिंग वीडियो में बताऊं या मैं क्या करूं, एक दो क्वेश्चंस यहां पे करवा दूं। चलिए ऐसा है कि जो आपका जो भी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको कमिंग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी के लिए मैंने सेपरेट कर दिया है, बस आपको एक बात याद रखिएगा, ध्यान समझिए, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो आप जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये फंक्शन ऑफ टी दोनों आपस में क्या इक्वल है, ठीक है ना, वेरिएबल से इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, रेंज हमारा सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला क्या था, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो रेंज को जैसे चेंज करेंगे वो माइनस आ जाएगा, ये याद रखना है। और यहीं पे मैंने बताया था एक और कि अगर ए टू ए सेम रेंज होता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। और इसमें बताया था अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसमें अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी आ जाता है तो उसको ए टू सी फिर सी टू बी आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने बताया था कि बेसिकली हमारा कहाँ पे यूज करते हैं, हम इसको मॉडुलस में यूज करते हैं, मॉडुलस का जो फंक्शन होता है उसमें यूज करते हैं। उसमें 7.11 में क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, इसी के बेस पे होगा, ठीक है ना, इस वाले तरीके से आपका होगा। ये क्वेश्चन 4 जो है ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये वाले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो यूज होता है वो 4 होगा, ये वाला, एक तो ये मॉडुलस वाला, ठीक है ना, इन सब में 1, 3, 4 और 6 और 7 में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो आपका होगा कौन, प्रॉपर्टी 4 होगा, ये वाला प्रॉपर्टी 4 से आप कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 के बाद फिर 15, 16, 17, ये सारे क्वेश्चंस आपके किसके बेस पे है, आपको इस वाले प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से माइंड में फिट कर लेंगे और उसके बाद आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको प्रॉपर्टी माइंड में आती रहेगी, ठीक है, ड्यू टू प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है, ठीक है। बस आपका काम इतना ही है कि आप इसके एग्जाम्पल्स करने की कोशिश खुद से किया करें, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स करें नहीं आए फिर मुझसे आप पूछे, ठीक है ना। तो मैं कमिंग वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, 7.11 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट। एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर किया करें, ठीक है ना, सबसे शेयर किया करें, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट।